आज मैंने रेड कलर का डाला था। कंजी का आ गई और आज हमारे घर इतनी छोटी कंजी का आई जो कि खाना तो खा ही नहीं सकी। और पूजन भी पपल 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 हो रहा है, पपल पपल हो रहे हैं सारे। हेलो गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल। सुबह का टाइम हो गया है और आज है जी अष्टमी नवमी, एक ही दिन है, 12 बजे तक अष्टमी है, 12 बजे के बाद नवमी है। तो हमारी होती है अष्टमी के दिन मतलब कढ़ाई। तो उठ गए हैं, नहा ले हैं और नहा कर मैंने पहन लिया है रेड सूट क्योंकि आज है कंची का पूजन। मम्मी भी साथ में उठ गई है और मम्मी नहा भी ली है और तैयारी कर ली है। मैंने अम्मी तो दूध वगैरह पिला दिया, नहाया ही और दिखाऊँ कि हमने बना लिया है क्योंकि उसके बाद इतनी जल्दी है, हमने निकलना भी है। तो इस करके जल्दी जल्दी उठे हैं, 3:30 बजे उठ गए थे। तो इधर तो बन रही है हमारी खीर। ये भिगो दिए थे काले वाले चने जिनको सिर्फ हल्का सा हमने थोड़ा सा वो लगाना है, मसाले वगैरह मतलब इसमें डलेंगे थोड़े बहुत। और ये इधर बन रही है सब्जी, आलू और वाइट वाले चने जो कि इसमें सीटी लग चुकी है, तो बस थोड़ा बहुत बचा वो मिलके भी कर लेंगे। और एमूर एमू के पापा रहे हैं सो थोड़ी सी हेल्प मम्मी की करवा कर और अब मैं आ गई हूँ जोत लगाने के लिए। तो सबसे पहले लगा लेती हूँ जोत, पूजा कर लेती हूँ। यहाँ पे भी मतलब जोत लगा दी है और अंदर भी गरम हो रही है, बन गई खीर, ऑलमोस्ट बन गई है हमारी खीर भी। ये स्लैब पूरी मैंने साफ कर दी है, उधर तो दिल्ली जाने वाली दवाई है मैं कि जो भी चलती है। ये माता का प्रसाद रख दिया जो गाय को जाएगा। और यहाँ पे इधर हो गई सब्जी हमारी तैयार, इधर हो गए छोले तैयार। फिनिश हो गया बर्तन वर्तन, सिर्फ हमारी पूरी आधी उतर गई है, आधी रह गई, सिर्फ ये रखी है। और अब मैं अंदर जा रही हूँ, मित्तू को भेज रही हूँ कंजीगा को लेके आए और मैं जा रही हूँ अंदर क्योंकि एमी हो रहा है, बाकी हमारा हो गया सब काम तक। ये देखो कंजीगा आ गई और आज हमारे घर इतनी छोटी कंजीगा आई जो कि खाना तो खा ही नहीं सकेंगी। हाँ जी, क्या हाल है, क्या हाल है, साथ में आई इनकी मम्मा। हाँ जी, हाँ ये तो फिर भी खा सकते हैं, ये इससे भी छोटी लग रही है, मुझे ये भी नहीं खा। ओ भाई टीवी देख रही है ये देखो। हाँ जी, कितने टाइम के हो गए आप, कितने 7 महीने की, देख लो 7 महीने का आराम से हमने टीवी देखा है। और ये है तो भी मेरा और एमू का सुबह सुबह चल रहा है। लाला जी एमू कैसे में जा रहे हैं सुबह सुबह, लाला जी मिल गया तो बेटे है ना, मिल गया ना, देख रहे हो, देखो कैसी नजर से देख रहे हो, ऐसे देख रहे हो टेढ़ा हो गए है ना, कैसा लग रहा है लाला जी आपको। हाँ भैरो क्या हाल है, ये भैरो कुछ खा नहीं रहा है और वो देखो कैसा खाना बना, बच्चों कैसा खाना बना है, अच्छा है, बहुत छोटे हैं यार खाने में ध्यान है, खाना खा रहे हैं इधर जो छोटे उनको उनकी मम्मी खिला रही है। तो गाइस काम सारा निमट गया है और बस जाने की तैयारी हो रही है, हर एक बंदे का वेट हो रहा है काफी देर से कि आ जाए उसके बाद निकले। एमी की भी थोड़ी तबीयत डाउन है तो इसको भी दवाई वाई दी है। देखो फिर लड़के बोलते हैं कि ना हम तो टाइम नहीं लगाते, मेरे पति 8 बजे के पार्लर में गए हुए हैं और 9:30 यहीं पे हो गया, अब तक नहीं आई है। और हम देख लो नेचुरल ब्यूटी घर पे ही, तड़के 4:45 बजे की उठी हुई हूँ, बस नहाई थी कुछ भी नहीं लगाया। और ईव जो है ना निकलेंगे घर के लिए, मैं सोचो सूट चेंज कर लूँ, मित्तू जितना आने में टाइम लगाऊंगी इतना मैं तो अपना चेंज करूँ ताकि टाइम ना लगे। आज मैंने रेड कलर का डाला था, सिंपल सा ही सूट है। जिस स्पेशल बंदे का वेट हो रहा था ये देख लो, 2 घंटे लेट, अब मम्मी तुम्हें सुनाएगी जाके मेरी हालत देखो
और हमारा हमसे इसलिए बोल रहे हैं क्योंकि मम्मी एमी को सुलाने लग रही है, उसका खाना पीना दवाई गोली सब कुछ कर दे, उसको नहीं लेके जा रहे क्योंकि एक तो अननोन जगह जाएगा, फिर वो अपने पापा के चिपका रहेगा ना, ये इंजॉय कर पाएंगे ना हम, तो इसलिए हम जा रहे हैं। एमी और एमी की दादी यहीं पे हैं क्योंकि वो फिर परेशान करेगा हमें, फिर दवाई ये वो कितनी चीज़ें साथ में लेके जाए, इतनी देर का काम भी नहीं है। तो अभी ये कर रही है बालों पे प्रेसिंग और मैंने डाल दिया सूट, बहुत सुंदर सा सूट डाला है, है ना, अच्छा है ना, बढ़िया, और स्टिच भी बहुत बढ़िया, डिज़ाइन अच्छा अच्छा किया ना, दिखाऊंगी मैं पूरा एक बार पहले तैयार हो जाऊँ। यहाँ देखो सारी तैयारी कैसे चल रही है, ये पति देव मेरे रेडी हो चुके हैं, ये मैं रेडी हो चुकी हूँ और यहाँ पूजा अपने बालों को कर रही है और आज मैंने भी बाल कुछ ऐसे ही कराए, मतलब स्ट्रेट करा लिए बिल्कुल, देखो सही लग रहे हैं ना। अरे तुम, एक तो तुमने शीशा क्यों खोला यार, और ये देखो मेरा सूट अभी नीचे हील रह गई है, लग रहा है ना मस्त सा। अरे ये देख दो बाल ले रहे हैं, इन भी खड़े करे मेरे तो ज्यादा रहने दे। एक्सक्यूज मी, आपको ससुराल में खाना मिलेगा, यहाँ पे खाना खाने की जरूरत नहीं है, आपको आपके लिए स्पेशल इंतजाम किया। अच्छा देख ले मम्मी, देख ले भाई की कहना लग रहा है, तो ये खाने पे टूट पड़े हैं, बहुत ज़्यादा स्मार्ट लग रहे हो, थू 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 थू। और मेरा मेकअप हेयर रह गए, हेयर मतलब सीधे कर दिए पर डिज़ाइन मतलब डिज़ाइन कर दिया, आगे से कुछ भी स्टाइल नहीं करा है। और इयर रिंग्स मैंने ये वाले डाले हैं और ये वाला सूट अगर आप लोगों को चाहिए तो राणा कलेक्शन नंबर 1 पे मिलेगा, नंबर मैं नीचे कमेंट में डाल दूंगी। और रेडी भी करवा सको हो सेम डिज़ाइन में जैसा मैंने करवाया है, पूरी लुक दिख जाएगी आप गाने वाले वीडियो में। हाँ जी, तो निकल लिए हम लोग तैयार हो के, और देखो मैंने तो प्यारा सा चूड़ा भी डाला है, लग रहा है ना सुंदर। और पूजा ने भी पपल 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 हो रहा है सारे, तो जो जो यूं कहते थे ना, कुछ ना है कुछ ना है कुछ ना है, तो आज देख लियो, आंख पाड़ पाड़ के देख लियो और अच्छे से, ठीक है, कदे चश्मे जिसके चश्मे चढ़ रहे हुए चश्मे ला के देख लियो है कि ना है, कि बरे आज भी हम झूठ बोलते हो, ठीक है, मतलब यार कुछ भी बोलने जाओ कुछ न कही, उसका तो ब्याह होना को नहीं, एक आतो इसी कॉन्फिडेंस में जिस तरह उसकी रस्सी लिखने वाली वाह है, कह रही मोहित का तो ब्याह होना को नहीं, क्यों को नहीं होना, अपने घर के अगर ध्यान दे, ठीक है, वास करे जहां दी दो छो तो हिसाब है, जब सामने आ जाना तो रैप्टे ही रैप्टे दूं। तो भाई साहब इनका कार्यक्रम चालू हो चुका है। हां जी, गाड़ी में निपटा देते हैं। देखा, और एक इधर देखिए, ये वाला फेस देखिए और ये वाला फेस देखिए, दो दिन रात का फर्क है भाई, नेचुरल ब्यूटी नेचुरल नहीं यार, एक घंटे बाद मैच कर लेना आप, सेम मिलेगा। अभी तो चालू है, देखो अभी कार्य प्रगति पे है, देखो एक घंटे बाद मिला लेना आप, 20 हो जाएगा अभी, 19 अभी 19-20 है, कम बोल लो। और हमारे पिंटू जी को देखो, कति इमरान हाशमी बन के बैठे हो भाई साहब। भाई आ चुके हैं बालाजी बर्फी सैनी के पकोड़े पर, और अभी ले लेते हैं कुछ बर्फी या पकोड़ा। तो भाई मिठाई मिठू लेने के लिए उतर गए हैं क्योंकि बटे हुए तो लेनी पड़े हैं थोड़ी सी, ठीक है। सही बात है, जय हनुमान। तो गाइस ये देख लो, ये हमारे गांव के खेत, पता नहीं कितने महीने बाद मुझे देखने को मिले हैं, मजा ही आ गया देख के, इस करके हमने ना गाड़ी बिल्कुल स्लो स्लो कर ली है और मजा ही आ गया है। अब आगे थोड़ी छांव दिखेगी ना तो रुकेंगे, सब कुआं भी देख लियो। डुबकी मारनी हो डुबकी मार लो भाई। अरे ये बटे जो, तो यहाँ के खेतों में ना नहा के जा रखे कुएं पे, जो नहीं नहा रखा घर से नहीं नहा के आया वो नहा सकता है। तू बता उस रक्षाबंधन पे कितना मजा आया था, मेरी मौसी की लड़की भाभी भैया मैं हम सारे आए कुएं पे नहाए और मैगी वैगी बनाई चूल्हे ईट वीट लगा के, वही पे खाई, इतना मजा आया ना, अलग ही टाइम था। और पता है हम लोग